वेलकम फ्रेंड्स इन लेट्स टॉक इंजीनियर्स.com। लास्ट वीडियो में मैंने बैकलिंक चेकर टूल के बारे में बताया। उसमें मैंने 5 बैकलिंक चेकर टूल्स बताए कि कैसे आप बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं उन टूल्स की सहायता से। फ्रेंड्स, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो SEO टिप्स फॉर योर वेबसाइट पर होगी। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो करने चाहिए आपको अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस के लिए। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो आप पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आप वेबसाइट के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट साइट मैप। नेक्स्ट पॉइंट है फेसबुक। नेक्स्ट पॉइंट है वेबमास्टर टूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बुकमार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट डायरेक्टरीज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लिंकिंग। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स 7 पॉइंट्स जो कि SEO टिप्स के अंदर आते हैं। इन सभी पॉइंट्स की ओर देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट साइट मैप। साइट मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योर होम पेज। दिस इज आल्सो एसेंशियल फॉर ओल्ड एंड न्यू वेबसाइट। फ्रेंड्स, अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपको साइट मैप क्रिएट करना चाहिए, और अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है, आप कोई पुरानी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो वो अगर उसका साइट मैप सबमिट नहीं है तो आपको चाहिए उस वेबसाइट का भी साइट मैप सबमिट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पोस्ट जल्दी गूगल इंडेक्स करेगा। देयर आर मैनी फ्री एंड पेड वेबसाइट्स एंड कंपनीज दैट कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट साइट मैप फॉर यू। फ्रेंड्स, देखिए इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साइट मैप आर एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद सर्च इंजन्स। साइट मैप आर नॉट ए नोवेलिटी। फ्रेंड्स, साइट मैप को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप इंडेक्सिंग को भी इंक्रीज करेंगे और ट्रैफिक को भी इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी वेबसाइट साइट मैप पर सबमिट नहीं किया तो आपको अभी साइट मैप पर सबमिट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फेसबुक। फ्रेंड्स, फेसबुक इज द एसेंशियल शेयरिंग सोशल मीडिया साइट। इफ यू हैव ग्रेट आर्टिकल्स देन यू शुड अपलोड द आर्टिकल्स ऑन द फेसबुक एंड टैग विद द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इफेक्टिव आर्टिकल्स हैं तो आपको चाहिए कि उनको आर्टिकल्स को फेसबुक पर अपलोड करना चाहिए, और आपको चाहिए फेसबुक पर भी आपको डेली बेसिस पर पोस्टिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप फेसबुक के यूज़र्स को अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स की भी सहायता ले सकते हैं अपनी वेबसाइट को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। फ्रेंड्स, फेसबुक के ऊपर आप पेजेस एंड ग्रुप्स भी बनाकर अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। ये पॉइंट बेस्ट है SEO टिप्स के जो अंदर आता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड पॉइंट है वेबमास्टर टूल्स। वेबमास्टर टूल्स आर बेस्ट टिप अंडर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड्स, वेबमास्टर टूल बेस्ट है टूल है जो आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर सम कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेंड द नोटिफिकेशन इफ़ योर वेबसाइट हैज़ एनी प्रॉब्लम रिलेट टू वायरस स्पैम एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो वेबमास्टर टूल्स आपकी वेबसाइट को रिकवर करने में हेल्पफुल है। हेल्पफुल टू सी द वेबसाइट द वे गूगल सी इट। ईजी टू असेस टू सर्च स्ट्रेटजी ऑन गूगल। फ्रेंड्स, गूगल वेबमास्टर टूल्स बेस्ट हैं। आप इसकी सहायता से बैकलिंक्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये सॉल्यूशंस को भी प्रोवाइड करता है।
फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट। द कंटेंट इज़ द एलिमेंट ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि कंटेंट पॉइंट हर एक टॉपिक में कवर हो रहा है। जब हमने ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने की बात की तो कंटेंट की भी बात की उसके अंदर, जब हमने इंडेक्सिंग की बात की उसमें भी हमने कंटेंट की बात की, जब हमने बाउंस रेट को डिक्रीज करने की बात की उसमें भी कंटेंट वाला पॉइंट आया। फ्रेंड एसईओ टिप्स के अंदर भी कंटेंट वाले पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर इफ़ यू कंटेंट इज यूनिक देन पीपल गिव्स मोर प्रेफरेंस टू योर वेबसाइट एंड वेब पेज। यू शुड यूज द बोल्ड इंटेलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन टू मेक द अफेक्टिव आर्टिकल एंड यू शुड ऑल्सो अपलोड मोर अफेक्टिव इमेजेस टू मेक इट अफेक्टिव। सम पॉइंट्स फ्रेंड्स जो कि कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना कंटेंट किंग बनाना चाहिए। कंटेंट इज किंग। द कंटेंट इज हेल्पफुल टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट एंड वेब पेज, हेल्पफुल टू गेट द बेस्ट रैंक ऑन गूगल। फ्रेंड्स आपको कंटेंट की ओर पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद सोशल बुक मार्किंग। फ्रेंड्स सोशल बुक मार्किंग इज बेस्ट टूल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच हेल्पफुल टू इंक्रीज द मोर ट्रैफिक ऑन गूगल। सर्च सोशल बुक मार्किंग अलाउज यू टू शेयर एंड ऑप्टिमाइज द डाटा। फ्रेंड्स सोशल बुक मार्किंग बेस्ट साइट्स हैं। फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर लास्ट वीडियो भी तैयार की थी कि कैसे आप ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं सोशल बुक मार्किंग की साइट्स पर हेल्प से। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो आप हमारी उस वीडियो पर भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एसेंशियल पॉइंट्स बताता हूँ जो कि सोशल बुक मार्किंग पर हैं। द सोशल बुक मार्किंग इज़ हेल्पफुल टू फास्ट द सर्च इंजन इंडेक्सिंग एंड हेल्पफुल टू इंक्रीज द सर्च इंजन रैंकिंग। सो फ्रेंड्स आपको सोशल बुक मार्किंग साइट्स यूज़ करनी चाहिए अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट डायरेक्टरीज। फ्रेंड्स इंटरनेट डायरेक्टरीज बेस्ट हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि बींग, याहू, डीमोस, ये सभी इंटरनेट डायरेक्टरीज हैं। जैसे फ़ोन की डायरेक्टरीज होती हैं वैसे ही वेबसाइट की भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं। इन सभी पर आप अपनी वेबसाइट के लिंक को छोड़कर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इंटरनेट डायरेक्टरीज आर यूज्ड टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट डायरेक्टरीज आर गिव्स यू वन वे लिंक्स एंड विद दिस यू कैन इंक्रीज द इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। फ्रेंड्स इंटरनेट डायरेक्टरीज बेस्ट हैं, आपको इनका यूज़ करना चाहिए। कई इसे इग्नोर कर देते हैं पर वो गलत हैं, आपको इसकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है लिंकिंग। लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। यू शुड ऑल्सो यूज़ द लिंक बिकॉज देयर आर ऑल्सो हेल्पफुल टू जनरेट द रिलेशंस विद अदर्स। फ्रेंड्स आपको इसकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। लिंकिंग मैंने आपको बताया टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। अगर फ्रेंड्स आप इसकी ओर पूरा ध्यान देंगे तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं और इसके अंदर सक्सेस पा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। लिंक्स आर ऑल्सो हेल्पफुल टू इंक्रीज द इंडेक्सिंग इन सर्च रिजल्ट्स ईजिली। एंड नेक्स्ट लिंक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एसेप्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द बिजनेस नीड्स अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंड ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि SEO टिप्स फॉर योर वेबसाइट के अंडर आते हैं। इन पॉइंट्स की ओर आपको खास ध्यान रखना चाहिए और अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहिए। फ्रेंड जितनी आपकी वेबसाइट प्रमोट होगी आप उतना ही अच्छा रैंक एंड ट्रैफिक पाने में सक्सेसफुल होंगे। फ्रेंड्स आपको शेयरिंग वाली वेबसाइट की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स ये मेन पॉइंट थे जिन्हें आप फॉलो करें। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।